हेलो दोस्तों, बिंदु विलेज ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम दोस्तों लौकी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। लौकी की रेसिपी इस तरह हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों कि जो बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई शौक से खाएगा। दोस्तों हम देखते हैं, चलते हैं लौकी लेने। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। तो ये वाली लौकी हमें लेना है, लेकिन देखते हैं ये वाली लौकी हम मिलती कैसे है। थोड़ा ऊपर है और खींच के हम तोड़ेंगे तो इसकी बेल टूट जाएगी दोस्तों, तो इसलिए हमें बहुत आराम से ये वाली लौकी तोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हम ऊपर चढ़ के आए हुए हैं, किसी तरह आराम से लौकी तोड़ते हैं। बढ़िया सॉफ्ट लौकी है। देखिए दोस्तों, लौकी हमने चाकू से काट लिया क्योंकि, और देखिए हम इतने ऊपर चढ़े थे मचाना पर, तब हम आराम से उतरते हैं और लौकी फेंकेंगे तो लौकी टूट जाएगी दोस्तों। ये देखिए, चलिए दोस्तों घर चल के हम रेसिपी बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। लौकी तो हमने तोड़ लिया, अब चल रहे हैं घर। दोस्तों लौकी लेके हम घर आ रहे। तो दोस्तों बढ़िया ताजी ताजी लौकी तोड़ के लेके हम घर आ गए। तो देखिए यहाँ हमें दबाने पे ये पुश हो रहा है, तो इसकी मतलब ये बहुत सॉफ्ट लौकी है दोस्तों। अब लौकी को हम छीलते हैं। देखिए एक ही बार में बढ़िया छिल जा रही है नीचे तक। हमने लौकी को छील लिया, अब दोनों साइड से ऐसे काट के निकाल देंगे, इधर भी देख रहे हैं। बढ़िया हमने इसको काट कर निकाल दिया। अब हम इसको धो लेंगे। हम लौकी को धो के ले आए, बढ़िया अच्छे से साफ। इसको हम दो टुकड़े में कर देंगे। ये देखिए हम इस तरह काट रहे हैं, फिर बीच से चीरा लगाएंगे। देखिए एक ही बार में हम इसको ऐसे। एक साथ इतनी लौकी काटेंगे, आप चाहें जो भी आकार दे सकते हैं दोस्तों। इसी तरह हम सारी लौकी को काट लेंगे। इतनी सारी लौकी हमने काट लिया। ये दोस्तों हमारी सारी लौकी कट गई। अब हम चल रहे हैं रसोई में। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। प्रेशर में डालेंगे सरसों का तेल। हमारा तेल गरम हो रहा है दोस्तों। हम सबसे पहले गरम मसाला में तेज पत्ता और बड़ी वाली इलायची डालते हैं। ये देखिए अब हमारा तेल गरम हो गया है। जब तेल गरम हो जाए तभी जीरा डालना चाहिए। डाल रहे हैं जीरा और इसको अब हम चला देंगे। हमारे जीरे से खुशबू आने लगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज, और हम प्याज ब्राउन होने तक बढ़िया ऐसे चलाते रहेंगे घुमा घुमा के। देखिए करछी के सहारे हम चला रहे हैं। दोस्तों हमारी प्याज बढ़िया ब्राउन हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम जलाएंगे नहीं दोस्तों, नहीं जिससे सब्जी में थोड़ा कड़वापन आ जाएगा।
अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। ये देखिए दोस्तों, आज हम जो बना रहे हैं बहुत टेस्टी बहुत खुशबूदार सब्जी बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं करी पत्ता, दोस्तों यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटर जल्दी पकने के लिए दोस्तों हम ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक। यहाँ पे देखिए हमारा टमाटर भी पक चुका है, इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर और दोस्तों आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और मसाला को हम अच्छी तरह भूनेंगे दोस्तों। हमारा मसाला भी भुन गया बढ़िया अच्छा सा। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब मसाला अच्छी तरह पक जाता है दोस्तों तभी मज़ा आता है। जरूरी काम यहाँ पे होता है मसाले को अच्छी तरह पकाएं। मैं ऐड करते हैं हींग। हींग डालने के बाद हम एक बार इसको चला देते हैं, और फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं दोस्तों चने की दाल। चने की दाल हमने एक घंटा पहले भिगो रखा था। देखिए दोस्तों हमारी चने की दाल बढ़िया अच्छे से फूल गई है। हम इसमें ऐड कर देते हैं, हम इसको अच्छी तरह चला देते हैं दोस्तों। ऐड करेंगे दोस्तों बढ़िया ताजी फ्रेश लौकी यानी घिया। देखिए हमने चने की दाल भी ऐड कर दिया और घिया भी ऐड कर दिया। तब हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे और इसको हम सब्जी को मसाला में भूनेंगे दोस्तों। यहाँ पर यही खास बात है, इसको सब्जी को अच्छी तरह भूनें। देखिए हम बढ़िया इसको मसाले में भून रहे हैं और दो मिनट के प्रेशर पे रख देते हैं ढक्कन। अब ये देखिए हम देखते हैं हमारी सब्जी क्या कह रही है। तो देखिए बढ़िया हमारे सब्जी के अंदर सीज गया है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे पानी। देखिए हम दाल नहीं बना रहे हैं सब्जी बना रहे हैं, उसी हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार हम डाल रहे हैं नमक और एक बार हम इसको चला देते हैं सब्जी को, और हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे दोस्तों, बस एक ही दो सीटी लगाएंगे। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, बढ़िया देखिए हमारी अच्छी सी लौकी और चने की सब्जी दोस्तों जो मैं आपको दिखा रही हूँ गरम गरम है। हमारी सब्जी बनी हुई है दोस्तों जो आप देख रहे हैं बढ़िया अच्छी सी। अब हम इसको चल रहे हैं फ्राई करने। तो देखिए दोस्त भगोने को हमने रख दिया गैस पर और गैस जला भी दिया है दोस्तों। हम अब इसमें डालते हैं बढ़िया देसी घी। देखिए बढ़िया घर का देसी घी जो हम डाल रहे हैं। देखिए हमारा घी गर्म हो गया, अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा दोस्तों। तो हम यहाँ पे थोड़ा ही जीरा ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने जब सब्जी छौंका था तब जीरा ऐड करा था दोस्तों। तो देखिए हमारा जीरा बढ़िया चटक चुका है। इसमें ऐड करते हैं जो हमने ये देख रहे हैं दोस्तों बढ़िया अच्छी सी फ्राई हो गई हमारी सब्जी, बढ़िया अच्छी लग रही है। इसमें हम डाल दे रहे हैं हरी मिर्ची। हमारी लौकी और चने की सब्जी तैयार हो गई और उसके साथ चावल भी।
खाना को सर्व करते हैं दोस्तों। देख रहे हैं हमने सादा चावल बनाया है, आप चाहें तो जीरा चावल भी बना सकते हैं। जो हमने ताजी फ्रेश लौकी तोड़ के लाई हूँ दोस्तों, उसकी मैंने सब्जी बनाई है। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। दोपहर का लंच बना है लौकी की सब्जी और चावल दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों। और लौकी की सब्जी हमारे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी बनती है, आपके बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।